रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दारुल उलूम ने फिर जारी किया नया फतवा, अब इस काम को भी बता दिया अनाज देवबंद। दारुल उलूम देवबंद ने एक और नया फतवा जारी किया है। इस फतवे में दारुल उलूम ने कहा है कि इस्लाम में बिना जरूरत सीसीटीवी कैमरा लगाना नाजायज है। दरअसल महाराष्ट्र निवासी अब्दुल माजिद ने दारुल उलूम के फतवा विभाग से सवाल कर पूछा था कि क्या भीड़ वाले क्षेत्र में अपने मकान व दुकान पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। इस पर दारुल उलूम के मुफ्ती महमूद हसन, मुफ्ती हबीबुर रहमान और मुफ्ती वकार अली ने जवाब देते हुए फतवा जारी कर कहा कि मकान व दुकान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के अलावा कई दूसरे जायज तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाने से तस्वीरें कैद होती हैं और इस्लाम धर्म में बिना जरूरत तस्वीरें खिंचवाना सख्त मना है, इसलिए ये पूरी तरह नाजायज काम है। यह भी पढ़ें, कैराना उपचुनाव, भाजपा को मात देने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बनाया ये मास्टर प्लान। यह भी पढ़ें, ओएमजी इस चोर के पास है इतनी संपत्ति, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। वहीं देवबंद उल्लेमा मुफ्ती अहमद गोड ने फतवे का समर्थन करते हुए कहा कि दारुल उलूम का फतवा बिल्कुल सही है। वह कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर दारुल उलूम के फतवे के मायने ये हैं कि आप अपने घर की हिफाजत के लिए कुछ अलग कर सकते हैं, दुकान की हिफाजत भी इसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है जहां किसी को परेशानी हो। उन्होंने आगे कहा कि दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है वह शरीयत की रोशनी में सोच समझ कर फतवा दिया है, इसलिए उसको हमें मानना चाहिए। दरअसल दारुल उलूम जो बात करता है वह तमाम चीजों को सामने रखकर करता है। सीसीटीवी कैमरे लगवाना बिना जरूरत इफरा और तफरीत करना जायज नहीं है, फिजूल खर्ची करना शरीयत में मना है,